अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीनो हज़रात, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो चुके होते हैं। नाजरीन, दुनिया में मौजूद तकरीबन हर इंसान एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है। आज की वीडियो में हमने चंद रहनुमा उसूल बताए हैं जिन पर अमल करके कामयाबी हासिल की जा सकती है। सबसे पहला उसूल ये है कि अपनी कमजोरियों को भूल जाएं, सिर्फ अपनी खूबियों पर तवज्जो दें और इनको अपना खजाना बनाएं। जिन कामों में महारत ना हो, इन पर मजीद और लगातार मेहनत मत करें। नाजरीन, दूसरा उसूल ये है कि अपना वक्त जाया मत करें। मसलन टीवी देखना या कोई ऐसा मशगला जिसमें आपको लुत्फ आता हो, इस पर कम से कम वक्त सर्फ करें। अपना काम करें, जितना हो सके काम को ध्यान से करें। इंसान अपनी पसंद के काम करके कभी भी कामयाबियों की बुलंदियों को नहीं छू सकता। इंसान जब अपने दिल और मर्जी के खिलाफ चलता है, तब भी कुछ काबिले कदर हासिल होता है। तीसरा उसूल यह है कि हर इंसान का बुरा दिन आता है। हमेशा ऐसे हालात बनते रहते हैं जो तुम्हारी मर्जी के बिल्कुल बरखिलाफ होंगे। ऐसे दिनों को अपने सर पर सवार मत करें। सबको धक्के खाने पड़ते हैं, तभी जाकर कोई मुकाम मिलता है। नाजरीन, कोशिश करें कि जब भी आप महसूस करें कि आप हिम्मत हार रहे हैं, तो याद रखें कि ये रास्ता आपने खुद चुना है और कामयाबी का कोई भी आसान रास्ता नहीं होता। अपना काम जारी रखें। हमेशा याद रखें, कामयाबी का सफ़र मुश्किलात और मुसाइब से भरा होता है। किसी को बैठे बैठाए कामयाबी नहीं मिलती, और इस बात को हमेशा से याद रखें। कामयाबी का सफ़र तन्हाई और मेहनत से ही तय किया जा सकता है। दिमाग में जो भी आइडिया आता है, इस पर अमल करें, और किसी आइडिया का फायदा तब तक नहीं होता जब तक इंसान इस पर अमल दरामद नहीं करता। अपने हर अच्छे और तख्लीकी ख्याल को अमली जामा पहनाएं। ख्याली पलाव से नाकामी इंसान का मुकद्दर बन जाती है, चुनाचा अमली काम करें। पांचवा उसूल ये है कि कोई भी काम करें तो इसके साथ जज्बाती लगाव पैदा करें। जब काम से जज्बाती लगाव होगा, तब ही कामयाबी मिलेगी। छठा उसूल ये है कि जब भी अपना काम या कारोबार शुरू करें, तो इसके लिए आपका इसमें दिल लगना बहुत ज़रूरी है। अगर काम को दिल से करेंगे तो ही पाया तकमील तक पहुंचेगा, वरना काम बीच में अधूरा रह जाएगा और इससे आपको कुछ भी हासिल हसूल नहीं होगा। लोगों के साथ नर्म रवैया रखें। जिन लोगों के साथ काम करना है, इनके साथ नरमी बरतने से तुम्हारा और बाकी सबका काम बेहतर हो सकता है। सातवां उसूल ये है कि अगर आप बाकियों की तरह काम नहीं करते या कर सकते, तो इस बात को सबसे पहले खुद माने और फिर एक ऐसा तरीका कार बनाएं जिनसे आप अपना काम बखूबी कर सकें। अगर कोई काम आपसे नहीं हो पाता, तो ऐसे लोग आप अपने साथ मिलाएं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से हेल्प लें जो इस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हो। अगर आपका काम करने का तरीका बाकियों से डिफरेंट है, तो इस बात पर फख्र करें बजाय इसके कि आप शर्मिंदा। आठवां उसूल ये है, ये बात पहचानने की कोशिश करें कि काम में क्या चीज़ असल में अहम है। सिर्फ इन चीज़ों पर तवज्जो दें जो बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत से काम दरअसल बिल्कुल अहम नहीं होते और हम इन पर अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। ऐसे काम जो गैर ज़रूरी हों, उनको अलहदा कर लें, और जो काम बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको पहले करें। इसी तरह और कामों में भी देखें कि क्या कुछ गैर अहम है और क्या कुछ अहम। जो गैर अहम है, उस पर ज़्यादा जोर मत दें। सबसे अहम उसूल ये है कि किसी भी काम को ना कर पाने पर बहाने मत बनाएं। जो आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपके सिवा कोई और नहीं निभा सकता। जब आप कोई काम करने में नाकाम हो जाते हैं, तो इसको खुले दिल के साथ तस्लीम करें। एक मुस्बत सोच का आपके काम में बहुत अहम किरदार होता है। कोशिश करें अपना रवैया और सोच हर दम मुस्बत रखें। दसवां और आखिरी उसूल जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो ये है कि मेहनत करें। मेहनत मुशक्क़त के अलावा किसी इंसान के पास कोई ऐसा नुस्खा मौजूद नहीं होता जो इंसान को कामयाबी की राह पर गामजन कर सके। जो इंसान मेहनत करता है, सिर्फ वही कामयाब होता है। आज तक कोई शख्स भी बैठे बिठाए अमीर या कामयाब नहीं हुआ। हर इंसान एक जंजीर में जकड़ा हुआ है, इसे अपने हिस्से का काम बजाते खुद ही करके बोझ उठाना होता है। कोशिश करें अपने काम में महारत हासिल करें।
नाजरीन उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।